पता है इस रोड ट्रिप की सबसे अच्छी बात क्या है? किसी ने मुझसे कहा था, स्वयं को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भौतिकता को छोड़कर स्वयं अपने साथ वक्त बिताना शुरू करते हैं। और इस सफर की यही खास बात मुझे मोटरसाइकिल राइड के लिए प्रेरित करती है। तो अब हम बढ़ रहे हैं ग्वालियर से लखनऊ की तरफ। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ग्वालियर में। और ग्वालियर में सुबह के बजे 7 बहुत। अब यहाँ से हमारा सफ़र अलग हो रहा है। मैं और राजीव दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो राजीव यहाँ से निकल जाएगा, चश्मा वाला मैं भी चश्मा वाला, ये बिहारी मैं बिहारी, ये निकल जाएगा दिल्ली और मैं निकल जाऊँगा बिहार। अभी तक का सफ़र बहुत ही लर्निंग और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार रहा। अप एंड डाउन के साथ साथ सबसे अच्छी बात हम समझ गए, अपनी राइडिंग हैबिट भी अलग है और अपन इंजॉय भी बहुत किए। तो ये ट्रिप अब यहाँ से सोलो और चलिए मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग मोड में। राजीव का कुछ कमेंट बोल भाई। चलो जाओ, राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली। ओके। क्या टंकी बना रखी है और क्या डिजाइन है, बाइक का डिजाइन है इस होटल में। और यही होटल शिवराज पे हम रुके थे ग्वालियर एक्सप्रेस वे पर। अच्छी सी शानदार सी सुबह, और स्वागत है आपका ग्वालियर में मेरे चैनल में। और हम बढ़ रहे हैं यहाँ से, एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। और बढ़ रहा हूँ मैं भिंड मुरैना होते हुए, भिंड होते हुए इटावा की तरफ, जहाँ से मैं पकड़ूँगा एक्सप्रेसवे। अपने नियत शेड्यूल से एक दिन की देरी पे हम बढ़ रहे हैं वापस बिहार की ओर, और गोवा और महाराष्ट्र का यह ट्रिप समाप्ति की ओर है। तो चलिए सुबह के सफ़र को बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं एक्सप्रेसवे की ओर। रास्ते में मिलेगा विंड, विंड जो है वो डकैतों के नाम से बहुत फेमस था। तो चलिए देखते हैं मेरा यह अनुभव कैसा रहता है। मुड़ जाएगी इटावा की तरफ और हम इटावा होते हुए चले जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। लो फ्यूल का इंडिकेटर भी आ गया है, तो आगे कहीं लिया जाएगा पेट्रोल। तो ये है भिंड, चंबल का वो इलाका जो डकैतों के लिए मशहूर था। शहर का इलाका है, अब यहाँ से इटावा की ओर बढ़ना है। चलिए भिंड को कहते हैं बाय, और भिंड शहर के बारे में थोड़ी देर में मैं आपको और भी बताऊंगा। आपको याद होगा फूलन देवी, जी हाँ, सांसद भी रही हैं, दस्यु सुंदरी भी कहा जाता था। और ये चंबल का इलाका भिंड मुरैना, भारत के सबसे खूंखार डकैत इन्हीं इलाके में मिलते थे। और पान सिंह तोमर मूवी इधर के ही इलाके से, मुरैना और भिंड के इलाके से जुड़ी हुई है। अगर आपने अभी तक वो पिक्चर नहीं देखी है तो एक बार देखें, अच्छी पिक्चर है। इरफान साहब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। सुबह का समय और ढेर सारे स्कूल बस। मेरे दोनों तरफ चंबल के बीहड़ हैं और हम भिंड से बढ़ रहे इटावा की तरफ। खनिज इधर भर लगता, रेत और बालू बहुत उठाव होता है यहाँ से। उधर खेती भी हो रही है, बीच बीच में बीहड़ आ जाते हैं, छोटे छोटे रेत के टीले को बीहड़ कहते हैं। मुझे हौले सफ़र बढ़ना है, 20 किलोमीटर और है यहाँ से इटावा, फिर वहाँ से मुझे आगरा एक्सप्रेसवे मिलेगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। उम्मीद है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, दिन का ये दूसरा टोल प्लाजा आ गया है।
आप देख रहे हैं ना, ये बीहड़ कहलाते हैं। और इन्हीं बीहड़ों के बीच में डकैतों का छिपना बहुत आसान था, क्योंकि छोटी छोटी टीले हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। और ये इलाका इसीलिए एक समय बहुत बदनाम था। चलिए पढ़ते हैं इटावा की तरफ। और इन्हीं बीहड़ों के साथ चलते चलते अब हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे। और यही नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को अलग करती है। रोहो स्पीड ब्रेकर, जनपद इटावा में आपका स्वागत है। लायन सफारी इटावा में, लायन सफारी, अच्छा 9 किलोमीटर राही पर्यटक 8 टिक्सी फोर्ट 8.5। अरे घूमने का तो भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ है, लेकिन मुझे जाना है इटावा। और एक्सप्रेसवे रोड हो गई ख़राब, देखते हैं ये क्या हुआ भाई। उत्तरी के स्कूटी वाले को ठुक दिया क्या? रोड हो गई है खराब। तो अभी तक मैंने कितने स्टेट पार कर लिए। झारखंड ने जब मैंने शुरुआत किया था तो झारखंड से मैं घुसा पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत सारे स्टेट। ये पूरा बीहड़ है और उस सड़क गुजर रही है, जगह जगह ऐसा लगता है कि रेत के ये टीले हों। आगे अपना एक्सप्रेसवे, अब इस पे चढ़ना है, लेकिन उससे पहले पता कर लें पेट्रोल पंप किधर है। एक्सप्रेसवे से चढ़ने से पहले टंकी करानी है फुल, तो आधा किलोमीटर बाद एक एचपी का पेट्रोल पंप बता रहा है, जैसा उस भाई साहब ने भी कहा था। चलिए देखते हैं, ये है पेट्रोल पंप, इसी पर पेट्रोल लिया जाए। पेट्रोल कैमरा है आपकी, कई बार अपनी गलती नहीं होती, पुलिस वाले रोकेंगे, उनको रिकॉर्ड कर लूंगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं आप रिकॉर्ड हो रहे हैं। चलिए अब निकलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। ठोका किसी नहीं होगा आपको? हाँ, किसी ठोका है कहीं पुलिस वाले? कहीं नहीं, कोई नहीं रोकता, उल्टे किसी ने चाय पिला दी, किसी ने खाना खिला दिया। चलिए ओके, का कौतूहल स्वाभाविक है और सबको सही जानकारी देना भी उचित नहीं होती, अपनी सुरक्षा का भी आपको कई बार ध्यान रखना होता है। तो थोड़ी कुछ जगह सही, कुछ जगह गोलमोल, परिस्थितियों के हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्रेसवे पे, देखते हैं भाई साहब टोल कितना लेते हैं। ओवरलोडेड वाहन प्रतिबंधित, हम चढ़ेंगे यहाँ से। कितना लोगे भैया? टू व्हीलर 200।
कितने लेंगे भैया? कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे सीधे पूर्वांचल बक्सर तक, लखनऊ। 200 BR21 भी, 21 भी कैश। आगे तो पर्ची दिखाने पे ही काम चल जाएगा। पूर्वांचल में कितना लगता है? बक्सर तक टोल देने की आदत नहीं ना भैया, देने में थोड़ा नहीं, सही है, वो जरूरी है, जब फैसिलिटी है तो ये है। अच्छा, अगला पेट्रोल पंप कितने पे है? और तब तो चाहे, और उसके बाद लखनऊ कितना है यहाँ से? हाँ, तब तो अपन 2.5 घंटे में पहुँच, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। कितना? 100 पे चल जाएंगे ना? 100 पे चलने में कोई फाइन वाइन तो नहीं है? नहीं, उतनी तेज गाड़ी भी नहीं भगानी, गाड़ी फिर हीट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, अभी लगातार हीट हो रही है। अभी अपन आ रहे हैं ऐसे तो ग्वालियर से, लेकिन महाराष्ट्र से आ रहे हैं, लंबा टूर। हाँ, चलिए, थैंक यू। तो अपन इंटर कर रहे हैं आगरा एक्सप्रेसवे पर। पेट्रोल पंप 100 किलोमीटर पे है, 47 लखनऊ, 212। चलो आराम से। ये जो सड़क ऐसे घूम रही है, ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यानी इधर से आप इलाहाबाद और चित्रकूट जा सकते हैं, लेकिन अपने को तो लखनऊ चलना है, तो हम चलेंगे सीधे। सड़क देखिए, मतलब बाइक को मैं चाह के भी बहुत तेज नहीं भगा सक पा रहा हूँ, और अब मेरा 5000 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो चुका है, और इसीलिए सर्विस रिमाइंडर आने लगा है, लेकिन चूंकि मोटूल डाला है तो अभी 700-800 किलोमीटर चल सकता है। तो रेस्ट और सर्विस एरिया यहाँ से 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का सफ़र और है, जहाँ पेट्रोल मिलेगा। तो अभी आधी टंकी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे पेट्रोल लेना चाहिए, क्योंकि फिर पूर्वांचल पे चढ़ने से पहले मुझे पेट्रोल की ज़रूरत होगी। तो ब्रेक लेना है तो आप यहाँ रुक सकते हैं, अगर आपको कंफर्ट फील है, कंफर्टेबल है, तो आप पढ़ सकते हैं। गाड़ी भी हवा से बातें करती है, लेकिन माइलेज एकदम गिर गया है, तो माइलेज देखूं कि स्पीड, मुझे लगता है स्पीड, क्योंकि माइलेज तो कहीं और मिल जाएगा, ये रोड कहाँ मिलेगी भाई? और 200 रुपये का टोल दे के चढ़े हैं इस रोड पे, लखनऊ यहाँ से लगभग लगभग 99 किलोमीटर। और ये जो है ना सड़क जो इस पर अभी चल रहे हैं, ये एयरवे स्ट्रिप है, यानी इमरजेंसी में चाहे तो यहाँ पे हवाई जहाज़ भी लैंड करा सकते हैं, फाइटर प्लेन लैंड करा सकते हैं। शानदार बनी हुई सड़क है, शानदार। और आगरा एक्सप्रेसवे पे सरपट भाग रही है मेरी डोमिनार, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तू पकड़ बिहारी बंदा को।
पश्चिम आगरा एक्सप्रेसवे का हमारा ये सफ़र यहाँ पे समाप्त हो रहा है। पर्ची पेट्रोल टंकी कितनी पड़ेगी? 12 किलोमीटर और पर्ची मेरे को दे देना वापस। आगरा से नहीं, वो इटावा। बारह किलोमीटर के बाद। ओ चलो, गाड़ी को आ गया है बिल्कुल रिफ्यूल। 12 किलोमीटर और चलना है। अभी 12 किलोमीटर और मेरे को पेट्रोल के लिए बैठना पड़ेगा। चलिए देखते, क्योंकि गाड़ी बहुत तेज भगाई है तो माइलेज नहीं है। उम्मीद है उतना तो पहुंच ही जाऊंगा मैं। चलिए मिलते हैं पेट्रोल टंकी पे। ये यहाँ पर एक्सप्रेसवे एग्जिट पूर्णतः समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।